लाखों लाशें हॉस्पिटल में तुरंत तैयार हो रही है। वहाँ से स्मशान घाट जाने को भी मुश्किल है क्योंकि एम्बुलेंस खाली फुकट की यूज़ हो रही है। उससे अच्छा है वहीं मॉर्चुरी के पास इंसिनरेटर लगा दो, इट्स एन इमरजेंसी नाउ, वहीं के वहीं लाशें जला दो। फैमिली को लाशें दे भी नहीं सकते, वो रिकग्नाइज करे ना करे वो क्वेश्चन ही अलग है, फैमिली को लाशें दे ही नहीं सकते, वहीं के वहीं जलाना पड़ेगा। इट्स अ नेशनल इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ अफेयर्स। एक तो लोग कम है ये सब ट्रांसपोर्टेशन करने को, ऊपर से जिसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उसको नहीं मिलेगा और लाशों में अपने एम्बुलेंसेज यूज हो जाएगी, तो इंसिनरेटर लगाना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल, वहीं के वहीं लाशें जलानी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स या कहीं बड़े ग्राउंड पर भी लाशें जलानी पड़ेगी। और इसके लिए अभी भावनावश नहीं होना चाहिए, अपने को प्रैक्टिकल होना चाहिए। वक्त बहुत ख़राब है, ये इमरजेंसी है और लकड़ी लगेगी, रॉकेल लगेगा, कपड़े लगेंगे, ये सब मैचस्टिक लगेगी, ये सब कोयला लगेगा। इसके लिए तैयारी रखो और इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, और इसमें भावनात्मक नहीं होना क्योंकि इट कैन स्प्रेड कोरोना। वहाँ के वहाँ निर्णय ले लो, तुरंत वहाँ के वहाँ निपटा लो। डेथ सर्टिफिकेट खाली आपके रिश्तेदारों को मिलना चाहिए बस, वो आधार कार्ड रिश्तेदार का भी ले लो और उसको डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन तुरंत भेज दो। डोंट वेट फॉर द फॉर्मेलिटीज़, उसको व्हाट्सएप पर भेज दो, ऑनलाइन भेज दो। डोंट वेट फॉर द फॉर्मेलिटीज़, और फॉर्मेलिटीज़ में टाइम निकल जाएगा और वो राशि वहीं सड़ती रहेगी, ना वहाँ से कुछ कर सकेंगे ना वहाँ कुछ निर्णय ले पाएंगे, और एक के ऊपर राशि वहीं सड़ने लगेगी। हॉस्पिटल्स मॉर्चुरी में भरने से अच्छा है वहीं एक इंसिनरेटर लगा दो हर एक हॉस्पिटल में। इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, प्लीज़ अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। ये एम्बुलेंसेज यूज़ मत करो उसके लिए, लाशों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ वहाँ के वहीं इंसिनरेटर लगा दो क्योंकि लाशें हज़ारों की तादाद में आएंगी, 100 की तादाद में आएंगी। यू डोंट हैव टाइम इवन टू ट्रांसपोर्ट, और इतने लोग भी नहीं हैं, ना स्मशान घाट पे हैं ना यहाँ पर है। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस फास्ट। प्लीज़ प्लीज़ बी प्रैक्टिकल, प्लीज़ बी प्रैक्टिकल।